सो जियो सिनेमा पर इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही रोमांटिक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है आई लव यू एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कपल हमारे साथ हेलो 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 सो पावेल जी, so, जी बताइए कि इन दिनों तकरीबन कितनी बार बोलते हैं आई लव यू दिन भर में यार मेरे पास ना दो बिल्लियां और वो निहायत ही खूबसूरत है हुँ. और बहुत प्यारी है तो okay. दिन में जैसी एक बिल्ली रास्ता काटती है उसको आई लव यू बोल देता हूँ फिर दूसरी काटती है बोल देता

I love you के साथ का एंड uh, जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आई थिंक इज अ ग्रेट टीम बिकॉज निखिल जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बहुत ही uh, अच्छे डायरेक्टर हैं उनकी फिल्म गोदावरी uh, मराठी में काफ़ी अवार्ड्स लेकर गई एंड hmm. uh, जब हम लोग फिल्म बना भी रहे थे जो इंटायर प्रोसेस था वो बहुत इंटरेस्टिंग था हमारे डी जो है वो कैमरोन है जिन्होंने फैमिली मैन शूट किया था एंड द प्रोड्यूसर सुनी सर एंड गौरव एंड यू नो इट वॉज जस्ट अ वेरी स्मूथ शूट एंड ऑफकोर्स पावेल Um, uh, तो जो ये वो स्क्रिप्ट है कि जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी आई थिंक बोथ ऑफ अस वो सो के कि ये कब शूट करेंगे एंड hmm. um, वैसा ही पूरा uh, फिल्म का जर्नी रहा ब्रदर या yeah, यार ये ना आई थिंक ये वन ऑफ दो स्क्रिप्ट्स हैं जो मेरे लिए और रकुल के लिए और निखिल के लिए भी दिस इज अ फर्स्ट अटेम्प्ट अटेम्प्टॉर्नर लाइक दिस निखिल ने भी गोदावरी करी है इससे पहले hmm. तो उसके लिए भी बहुत डिफरेंट फिल्म थी मेरे लिए भी बहुत डिफरेंट फिल्म थी रकुल के लिए भी बहुत डिफरेंट फिल्म थी बट हम कई बार ना हम uh, कोशिश करते हैं कि हम अलग अलग फिल्में करें बट ये वाली वो वाली फिल्म थी कि हम लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ी थी जैसे रकुल रही थी इतनी फन फिल्म है कैरेक्टर्स uh, इतने इंटरेस्टिंग है इतने इंडियोरिंग है कि एंड वो डायरेक्टर एक्चुअली आया नहीं निखिल आज ही कुंड मेक इट बट ही सच अ फैंटास्टिक डायरेक्टर कि आप uh, आप मना कर ही नहीं सकते उसको और आप उसकी लिखावट को भी मना नहीं कर सकते इट जस्ट ब्यूटीफुल एंड पिक्चर बहुत अच्छी बनी भी है hmm. Uh, ये रकुल और मेरी गारंटी है ha. 100%. हाँ, ट्रेलर से तो हमें पता चल मतलब रहा है। मतलब हम लोगों ने मूवी देखी और देख ले? जी ऑफ कोर्स हम लोगों ओ, ने मूवी देखी और आई थिंक टाइट 90 मिनट्स की फिल्म है टाइट uh, एकदम स्क्रीन प्ले है एंड uh, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब खत्म हो जाती है सो इट कीप्स यू ऑन द एज ऑफ द सीट आपने भी फिल्म देख ली आप बताइए

अपने आप को काफ़ी इमोशनली ड्रेन करते हैं एंड वी हैव टू रियली टैप इन टू हमें कैसा फील होता है एक्टिंग hmm. ना करके रियल इमोटिंग hmm. तो ऐसी ऐसी जगहों पे पोक करते थे ड्यूरिंग आ वर्कशॉप कि हमें खुद लग एग्जॉस्टेड फील होता था या रोना आ जाता था या यू नो यू जस्ट डोंट नो एंड यू वीज टू मेडिटेट इन द वर्कशॉप ऑल्सो बिकॉज दैट्स वेन यू नो Your emotions तो काफी डिफरेंट थी मैंने कभी इस तरह की वर्कशॉप नहीं की बट आई थिंक इट वॉज ग्रेट लाइक फॉर मी एंड ऐसा हो गया था कि अभी तो मतलब सब बता दो यार एक दूसरे के सामने कोई कोई ही नहीं है तो उस वक्त मुझे मुझे पसंद नहीं आ रही थी वो एक दिन था जब मेरा हो गया था वर्कशॉप से बिकॉज अतुल सर इज फैंटेस्टिक But he's such a good teacher that he gets into very nitty gritties in your emotion and all of that. So ek time personal आगे personalise and, and all and of that. to वो ऐसे ना ऐसे कर रहे थे चाबी दे रहे थे मुझे यानी एक time पे मैं थोड़ा सा टूट गया था and फिर मेरा ऐसा मन कर रहा था मुझे picture भी नहीं करनी है मुझे ये workshop नहीं करनी है all of that but I think all of that paid off I think that was necessary for yeah. me to open up and I think that was the time Rakul and I also bonded quite a yes. bit and that's why it was so easy on set nikhil bhi tha वर्कशॉप hmm. में Correct. हमारे साथ हम तीनों थे वर्कशॉप में डायरेक्टर एंड पावेल एंड मी सो इट वाज रियली अ नाइस प्रोसेस एंड आई फील लाइक हर फिल्म जिसमें आपको एक अरग, अलग अलग किरदार निभाना होता है जो uh, शायद उस तरह के इमोशंस आपके लाइफ में आपने एक्सपीरियंस नहीं किए हैं सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अनलर्न एंड स्टार्ट द जर्नी बिल्कुल एंड अब जब आपने ये फिल्म

बट हैड सो मच फन शूटिंग फॉर इट और हमें लगा नहीं कि हम इतनी emotionally draining film कर रहे हैं, because हमारी जो थी थी, वो बहुत अच्छी And इस बार ये आ यू सिनेमा पर आ रही है, जी. तो कुछ कहना कहना चाहेंगे चाहेंगे आप लोग को, हाँ, कि 16 जून को जियो सिनेमा, सिनेमा लगाइए और आई लव यू देखिए और अपने आसपास सबको लव यू बोलिए, हमें बोलिए और thank you so much thank, thank, you. thank you thank you thank you and good thank luck, you so much. Good luck.